Hello everyone, so this is me, your friend Mandi Biker Ashish, and today I am going to Parashar Rishi, right? So wish me so, luck. So it's time to run. तो जब कुल्लू मनाली का रूट बंद हो जाता है ड्यू टू स्नो समथिंग लैंडस्लाइड वगैरह, तो जो लोग होते हैं वो इस रूट से आते हैं कुल्लू वाया मंडी हो गया। सो कुल्लू इज़ लाइक 43 किलोमीटर एंड पराशर इज़ लाइक 23 किलोमीटर्स। Let me take you to the another route, man. Anyhow, please give me sign. So, अभी पता है क्या आया है? अभी एक नाला आएगा, जिसके बीच में से मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। तो मैं बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा क्लिप दिखा रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू मेक यू बोर, राइट? तो ये देखो, अब यहाँ से हमें कहाँ से निकलने का है? एनीबॉडी कैन सजेस्ट मी। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे, और अगर हम गिर गए तो गिर गए, और अगर हम बच गए तो बच गए। सो एनी हाउ लेट्स डू इट। तो मंडी बाइकर्स इज नॉट सो बैड यार, इज अ गुड राइडर। So now I reached Parashar. Now I have to park my bike and then I have to go. Then I have to trek. Small little trek. Park my bike there. Look at the view, man. Let's move. So guys, this is Parashar Rishi. It's very old temple, very 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 old temple. I'll let you know after some time. By the way, hello guys. So I'm at Parashar Rishi, as you know, और ये हमारे सर, आपका नाम पुजारी अमर सिंह हैं ये पुजारी जी, और ये आपको सारे पराशर ऋषि के बारे में बताएंगे। सो सर प्लीज़ बताएंगे पंडित जी इसकी जगह के बारे में, क्या सारा कुछ बताइए इस जगह के, कहाँ से आए थे? जैसे पराशर ऋषि पहले तो तपस्या की इन्होंने ना। अच्छा जी, 64,000 साल तपस्या हुई, 64,000 तपोवन में। अच्छा, तपोवन में हुई इनकी तपस्या। ओके, फिर जैसे कलयुग आ गया। हाँ जी, तो द्वापरा युग में इन्होंने तो वेद व्यास को जन्म दिया। ठीक है, तो उसके बाद कलयुग आ गया, तो कलयुग में जैसे अपने स्थान बनाने थे ऋषि मुनियों ने। अच्छा जी, सारे ऋषि मुनि उतर गए ना तपोवन से, फिर हाँ जी, जी, जी। अपने अपने स्थान बनाने के लिए। अच्छा, तो जैसा जहाँ किसी ऋषि को जहाँ का स्थान अच्छा लगा वहाँ बैठे, तो जैसे पराशर ऋषि को एक तरफ से
सत्यावती का इनको वर था, जैसे गंगा पार जाना था पराशर ऋषि ने, तो सत्यावती ऋषि जी को पार कर रही थी। अच्छा जी। तो पराशर ऋषि ने पार करते बार उनका हाथ पकड़ लिया। अच्छा जी। तो सत्यावती बोलती है ऋषि जी, मत्स्यगंधा नाम था उनका। अच्छा, मत्स्यगंधा नाम था। तो वो बोलती है कि ऋषि जी मुझे तो मछली की मुश्किल है, मेरे हाथ को क्यों पकड़ लिया आपने। अच्छा जी। तो पराशर ऋषि तथास्तु करता है और मछली की स्मेल खत्म हो जाती है। अच्छा, बहुत अच्छी स्मेल आती है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कई कोस दूर जाएगी स्मेल। तो पराशर ऋषि बोलते हैं अब मैंने आपको वेद व्यास नाम का बेटा भी दे दिया, अंत्यंत विद्वान होगा, चार वेद का ज्ञाता होगा। अच्छा जी। तो बोलता ऋषि जी तो गलत हो गया, मैं तो कन्या हूँ अभी, मेरी तो बेइज्जती होगी दुनिया में। बोलती आप, आपके लिए झूठ क्षमा है, कोई बात नहीं। अच्छा। तो बड़ी खुश हो जाती है। तो बोलते पति जैसे गंगा के किनारे अपनी प्रसूता करनी। हाँ जी। तो गंगा के किनारे फिर प्रसूता करती है और उसके बाद वेद व्यास जी 18 साल के एकदम से हो जाते हैं। अच्छा जी। खड़े हो जाते हैं, बोलते माता जी मुझे आ गया। तो बोलते क्या आ गया चाहिए आपको। हाँ जी। बोले हमें तपस्या जाना है, जब आपको बहुत मुश्किल कोई भी समस्या होगी तो मुझे वेद व्यास नाम करके पुकारना। अच्छा जी। तो फिर सत्यावती पराशर ऋषि को मत्स्यगंधा पराशर ऋषि को बोलती है, पराशर ऋषि ने उनका नाम सत्यावती रखा। सत्यावती बोलती है पराशर ऋषि को ऐसी झील में आपका निवास हो। अच्छा। ऐसी ही किस्ती उस झील में झूलती रहनी चाहिए, ऐसा ही पवित्र पानी रहना चाहिए कलयुग के अंत तक। अच्छा जी। तब पराशर ऋषि को ये जगह ढूंढनी पड़ी। हाँ जी। जैसे इस धरती पर पराशर ऋषि प्रधान रहेंगे। हाँ जी। सभी देवताओं के। हाँ जी। प्रधान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो तब ऋषि जी ने हर जगह जाना था। अच्छा। पूरे संसार में इन्होंने चक्कर लगाना था। अच्छा। कहाँ का जैसे जहाँ का देवता वहाँ की जिम्मेदारी उनको करानी है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर लास्ट को यहाँ पहुँचे, ये जगह इनको पसंद आ गई। अच्छा जी। तो एक देवदार का पेड़ था बहुत सा बड़ा। अच्छा जी। तो उसको काट दिया। हाँ जी। तो विश्वकर्मा को इन्होंने याद किया। हाँ। तो उस जगह पर 6 महीने का बच्चा आता है। अच्छा। तो 6 महीने के बच्चे ने मंदिर का निर्माण किया। अच्छा जी। तो बनाते बनाते वैसे 18 साल लगी। तो जो निकासी है मंदिर में आगे मकड़ी जाला बिछाती है अपने पीछे से, वो अपनी निकासी करता है। अच्छा जी। ऐसा ऐसा फिर। अच्छा, सारी स्टोरी है। तो ये जो जो गोल्स हैं तो वो तो इनसे हुआ, वेद व्यास से हुआ फिर। अच्छा, वेद व्यास। हाँ, वेद व्यास के जैसे सुखदेव ऋषि हुए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो धृतराष्ट्र हुए, विदुर हुए, पांडु हुए। अच्छा जी। पांडु के पांडव होते, धृतराष्ट्र के कौरव होते, फिर आगे महाभारत हुआ। अच्छा अच्छा जी। हाँ हाँ। ज्यादा लंबी कहानी है पराशर ऋषि की, हर ग्रंथों में मिलती रहती है। अच्छा जी। ऐसा ऐसा बाकी इनकी लीला ना जाने की। ठीक है जी। सो पंडित जी, आप इस कैमरा को लेके एक बार पराशर ऋषि की फोटोग्राफ ले लेंगे, या मैं जा सकता हूँ अंदर? थोड़ा इस दरवाजे तक जाओ आप। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक सेकंड। कैमरे भी लगे। ठीक है। हाँ जी, ठीक है पंडित, यहाँ तक चल जाऊँ ना? ठीक है। सो आई एम टेकिंग इन साइड द पराशर ऋषि। इतना ठीक है। सो ये पराशर ऋषि है। तो जय हो पराशर ऋषि की जय। यहाँ पे पराशर ऋषि तपस्या करते हैं और ये कभी भी उस जगह पे चल जाएगी, कभी उधर चल जाएगी, तो कभी इधर आ जाएगी। बेसिकली ये रोटेट करती है इन ऑल डायरेक्शन, यू नो। सो ये सो टिल देन do whatever you want to do, my little friends, do double and do subscribe your brother man. And by the way, call me Ashish, don't call me Mandi Biker Ashish, okay? Especially Shubhi. Look at this, you missed it. To go back to home. And hope you guys enjoy my video. And if you'll enjoy my video, then do subscribe, like, share and comment. So, okay. GoPro stop recording. No, I don't know why this guy can't wait for some time. Even he is not wearing helmet and he's in hurry. And he's a stupid guy. They are working and he's.